सो गाइस, आज हम करने वाले हैं प्रैंक न्यू ईयर पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी हम करने वाले हैं कॉलिंग प्रैंक। तो अभी हम करते हैं किसी अननोन बंदे को कॉल और उनके मजे लूटते हैं न्यू ईयर पे। तो हम कुछ ऐसे रिचार्ज ऑफर करने वाले हैं उनको कुछ क्वेश्चनों के साथ। अगर वो सही आंसर देते हैं तो हम उनको रिचार्ज के ऐसे बोले। चलिए शुरू करते हैं। ये अक्षय का दोस्त है, चलो इसे कॉल करके देखते हैं। वाह, तुमने एक शेर को टाइलर करना है भाई। शेर अपने हिसाब से खाएगा, तब जवाब देगा, वरना फोन काट देगा, क्योंकि मोबाइल तो हम वह मोबाइल है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर सर। सर आप कहाँ से बोल रहे हो? आप गोपेश्वर साइड से बोल रहे हो? लोकेशन बता रहा है आपका। अच्छा जी, हाँ जी। ओके ब्रो, भाई हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप अगर उसके आंसर देते हो तो हम आपको 3 महीने का रिचार्ज मुफ्त देंगे। जान गया बंदा, जान गया। सर ये आपका नंबर जियो कस्टमर से मिला। अच्छा जी सर। तो आप मेरे भाई हैं? रिचार्ज नहीं करा रहा गुरजी। बंदा समझ गया। हाँ जी सर, रिचार्ज नहीं करा रहा है। रिचार्ज क्यों? पता नहीं, बोल रहा मेरे फंडू ने मेरे को धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, हम रिचार्ज करा देंगे सर, आप आंसर दो। ये बोल रहा था? हाँ बोल तो चल रहे बल मेरे। हाँ तो अभी रिचार्ज नहीं करा था बल ने। कोई नहीं सर, हम आपके बोल्ड के बाद करा देंगे। अच्छा सर जी, सर ठीक है सर। तो सर आप आंसर दीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज में हैं। अब वह जहाज थोड़ी देर बाद डूबने वाली है, तो आप कैसे बचेंगे? भाई मैं तो कूद जाऊंगा यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई इसका सही आंसर जानना चाहेंगे आप? आपके लिए अब हम मोदी का वो मुझे लग रहा है कॉल अभी उधर जा रहा था आपका। वो उसने पहचान लिया, तो अभी हम दूसरे बंदे को कॉल कर रहे हैं। दीपक को कनाल दूरी है। दीपक कनाल अबे ओ कुत्ता। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्या बोला तूने भाई? गुड मॉर्निंग, हैप्पी सेम टू यू सर। से बोल रहे हैं? फिर बोलो फिर। तो भाई हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको 3 महीने का रिचार्ज हम अपनी तरफ से कराएंगे, जियो उसकी तरफ से। तो आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहोगे? आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहोगे? यार तुम अगर तो आपका पहला क्वेश्चन है। अरे मेरा क्वेश्चन यार, क्वेश्चन तो यार खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। सॉरी ब्रो, आपके लिए पहला क्वेश्चन है। मछली को पानी में तैरता देखकर कैसे पहचानेंगे कि वह नर है या मादा? आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड मिलते हैं ब्रो। भाई सोचो सोचो, तो इसका सिंपल सा आंसर है, इतना लॉन्ग आंसर नहीं है, सिंपल सा आंसर है, आप सोच के बताओ। पता नहीं यार ब्रो। आप आंसर जानना चाहेंगे? हाँ बता। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है,
अगर मछली तैर रही है तो मादा ही तो हो गया, तो मादा हो गया, अगर तैर रहा है तो वो अंदर होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो चले आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे यार हेलो सर। हाँ सर। सर क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य आदमी में हाथ तथा पैरों में कितने उंगलियां होती हैं? 20। भाई कंफर्म करिए आंसर। अबे नहीं, उंगलियां थे, उंगलियां। आप गिन के भी बता सकते हैं भाई। 16 होती है, बल्कि 4 अंगूठे। कांग्रेचुलेशन, ग्रेट। अंगूठे होते हैं वो। एकदम सही आंसर है, तालियां हो जाए एक बार जोर से। अरे यार मैं अब तो पागल हो तो। हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका दो में से एक क्वेश्चन सही है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़िए बढ़िए। अंग्रेजी में 1 से लेकर 100 तक कितनी बार ये आता है? आप अगर स्टडी करते तो ये आपको आंसर याद होगा। अंग्रेजी में 1 से लेकर 100 तक कितनी बार ये आता है? 3 बार, 0 बार। भाई ग्रेट आंसर, एक बार फिर से तालियां। आपका 2 क्वेश्चन सही आंसर दे चुके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जी सर। आपका तीसरा क्वेश्चन है, खाड़ी किस स्टेट में है? क्या सर इसका आंसर आप 5 से 10 सेकंड के अंदर दे सकते हैं सोच के। अरे ये बंगाल की खाड़ी किस स्टेट के अंदर है यार? तो आपका आंसर को लॉक कर दिया जाए। सॉरी ब्रो, इसका सही आंसर है लिक्विड स्टेट में। अरे यार, अरे आप स्टेट। कोई बात नहीं, क्वेश्चन की ओर बढ़े। दुनिया का सबसे शॉकिंग सिटी कौन सी है? पता नहीं यार। भाई सोच सकते हो, आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ब्रो बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं यार। नहीं पता आपको, हम बताएं? हाँ बता दीजिए। तो इसका सही आंसर है, आप एक लास्ट मौका देते हैं आपको, 3 महीने का रिचार्ज मिल जाएगा। लास्ट आंसर है आपका, बता दो ना। बता दें? फिर आपको रिचार्ज नहीं मिलेगा भाई। कोई दिक्कत नहीं यार। दुनिया का सबसे शॉकिंग सिटी है इलेक्ट्रिसिटी। अफसोस कि आपने 5 में से 3 का 2 का आंसर सही दिया, बट 3 का आंसर नहीं दे पाया लास्ट क्वेश्चन का। बट कोई ना, आपने बहुत ही अच्छा स्कोर गेन किया, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अरे भाई यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। समझ रहे हो? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। तो हम देहरादून स्टूडियो से बात कर रहे हैं सर। हाँ बोलिए सर। हम आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे न्यू ईयर पर, आपको रिचार्ज मिलेगा अगर आप 5 क्वेश्चन में से 3 का भी आंसर सही देते हैं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिचार्ज चाहिए आपको? नहीं। आप चाहिए रिचार्ज चाहिए भाई, जिंदगी में और क्या चाहिए। जी राजा जी, आपका पहला क्वेश्चन है, यदि आप एक पत्थर, लाल पत्थर को पानी में फेंक देते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? लाल पत्थर को पानी में फेंकेगा। हाँ तो वो कैसा हो जाएगा? लाल पत्थर को अगर पानी में फेंको हो जाएगा मैरून कलर का हो जाएगा फिर वो। आंसर को लॉक कर दिया जाए? हाँ कर दिया जाए बिल्कुल। सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करना, इसका आंसर जानेंगे आप? हाँ बिल्कुल जानेंगे। तो सर वो गीला हो जाएगा। हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ बोल बढ़िया। ऐसी कौन सी चीज है जो फटने पर आवाज नहीं करती? ओ भाई साहब, ऐसी कौन सी चीज है जो फटने पर आवाज नहीं करती? फटने पर आवाज क्या नहीं करती? सोचें, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया। चलो 10 सेकंड का दिया जाता है आपको टाइम। जी सर, जो आप सोच रहे हो नहीं है, बट उसका आंसर आप सही तरीके से दे सकते हैं। क्या बोला तूने?
सर आप सोच सकते हैं आपको 5 सेकंड और दिए जाते हैं। अरे यार ये बहुत बहुत आप दिल जले आशिक लग रहे हो। पर ध्यान नहीं दिया तो हम आंसर का क्वेश्चन का आंसर बता दें। हाँ बता दीजिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दूध जो फटने पे आवाज नहीं करती। अरे वाह वाह वाह। तो सर हम नेक्स्ट आपने मेरे को नॉलेज तो दे दिया इन बातों से। नहीं यार मैं आपको नॉलेज गेन करने को मिल रहा है। वह कौन सी चीज है जिसे डूबते हुए कोई नहीं बचाता? वो कौन सी चीज है जिसे डूबते हुए कोई नहीं बचाता? हाँ चलो आप ही बता दीजिए मैं तो नहीं आ रहा। हम बता दें? हाँ बता दीजिए। इसका सही आंसर है सर सूरज। जी सर जिसको डूबते समय कोई नहीं बचाता। तो हेलो 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 कौन हेलो हाँ जी कहाँ से बोल रहे हो आप? हेलो हेलो मैम गुड मॉर्निंग हैप्पी न्यू ईयर। हेलो हैप्पी न्यू ईयर मैम। मैम आप कहाँ से बोल रहे हो? आपने कहाँ बुलाया? हमने फिजाल खान को। हम तो यहाँ से बोल रहे हैं गोपी सर से। गोपी सर से? तो ये नंबर आप ही का है? अच्छा तो हम जियो कस्टमर से बोल रहे हैं बिहार से। अच्छा न्यू ईयर के उपलक्ष में आपको 3 महीने का रिचार्ज दिया जाता है जिसमें अगर आप 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको 3 महीने का रिचार्ज मुफ्त हमारे तरफ से कराया जाएगा। क्या आप इच्छुक हैं? कॉल उसके बाद तो नहीं हो पाएगा। अच्छा कोई बात नहीं हैप्पी न्यू ईयर आप सभी फैमिली को। जी कोई बात नहीं कोई नहीं। फर्स्ट कॉलिंग प्रैंक था जो कि इतना फ्लॉप भी था लगभग। मतलब कुछ बंदों ने मस्त बंदे थे इसके दोस्त पर। वो भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो शेयर करना। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हम किसी पर्टिकुलर लड़की के ऊपर करेंगे प्रैंक अच्छा सा तो सेटअप करके। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।